गुड आफ्टरनून स्टूडेंट, आज का हमारा टॉपिक है अलजेब्रा ऑफ मैट्रिसेस में पार्ट टू हम करेंगे। तो आइए आगे बढ़ते हैं पार्ट टू की तरफ। पार्ट टू में हम आगे उसी की कुछ एक्सरसाइज क्वेश्चन करेंगे, जो क्वेश्चन बन सकते हैं जैसे कि एक एग्जाम्पल लेके चलते हैं। आइए सपोज करिए क्वेश्चन हमारे पास तो दिया हुआ है, सेवन एक मैट्रिक्स दी हुई है, इस मैट्रिक्स को हमें सॉल्व करना है। इक्वल ये एक स्पेशल टाइप ऐसे दिया होगा, टू थ्री फाइव फोर फाइव नाइन, ये क्वेश्चन भी। अब हमें एक्स की वैल्यू यहां पर फाइंड करना होगा, टेन एक्स ये वैल्यू हमको फाइंड करनी है। एक्स की वैल्यू क्या होगी तो हम इसके पक्षांतर कर लेंगे और पक्षांतर करके इसकी वैल्यू निकाल लेंगे। यहां पर एक्स इक्वल्स टू टू थ्री फाइव नाइन माइनस एट सेवन ट्वेल्व एंड फाइव। अब इसमें इसको हमें लेस करना घटाना होगा, तो सीधे सीधे हम घटा सकते हैं वैल्यू को। टू में एट गए, सेम ऑर्डर की मैट्रिक्स है, माइनस सिक्स। थ्री में टू गए, वन। फाइव में सेवन गए, माइनस टू। फोर में ट्वेल्व गए, माइनस एट। एंड फाइव में थ्री गए,
और नाइन में नाइन गए जीरो। ये देखो ऐसे करके ये हमारा आंसर आ गया। और भी आगे के एक्सरसाइज करते हैं। देखते हैं इसको। आई एक और एग्जाम्पल करते हैं। नो तो जैसे कि क्वेश्चन है इफ को आपका एक्स थ्री टू y and plus plus 1 3 फाइव सेवन एक मैट्रिक्स आपकी ये रही इक्वल और एक मैट्रिक्स आपका ये रहा थ्री सिक्स सेवन फोर। ये इक्वेशन दिया होगा ठीक है ना। देन फाइंड एक्स वाई। तो चलिए एक्स की वैल्यू निकालते हैं। अब देखिए ये क्वेश्चन हैं तो ये भी सब 2x2 ऑर्डर की मैट्रिसेस हैं सारी की सारी। तो पहले हम इन दोनों को ऐड करें और इसके बराबर कंपेयर करा दें। ये हो जाएगा आपका एक्स प्लस वन और ये थ्री प्लस थ्री टू प्लस फाइव यानी कि छह सेवन एंड y प्लस सेवन। ये आपकी वैल्यू ये आ गई एंड इक्वल थ्री
अब कंपेरिजन करेंगे तो यहां पर मैं इक्वेशन लिखता हूं आगे, लाइक दैट एक्स प्लस वन इक्वल इक्वल थ्री, ये क्वेश्चन नंबर वन ये आपका हो गया, एंड सिक्स सिक्स के बराबर हो जाएगा, एंड ये वाई प्लस सेवन ये इक्वल हो जाएगा फोर के बराबर। सेकेंड नंबर का क्वेश्चन ये रहा। अब इन दोनों को हम सॉल्व कर सकते हैं, तो इसमें कोई प्रॉब्लम नहीं है। पहले केसेस को लेंगे अगर, तो x प्लस वन इक्वल्स टू थ्री है, इंप्लाइज है यहाँ पे x बराबर क्या हो जाएगा, थ्री माइनस वन यानी कि टू, अर्थात x की वैल्यू कितनी आ गई, टू आ गई। इसी तरह y प्लस सेवन इक्वल्स टू फोर इंप्लाइज दैट y इक्वल्स टू फोर माइनस सेवन, ओके माइनस सेवन इक्वल ये हो जाएगा आपका माइनस का थ्री, तो y की वैल्यू आ जाएगी माइनस का थ्री, ये आपका थ्री हो गया। तो ऐसे ही हम क्वेश्चन को सॉल्व कर सकते हैं अगर ऐसे क्वेश्चन आते हैं। ओके, अब नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं हम। ये नेक्स्ट क्वेश्चन कैसे कर सकते हैं, अब अगला हम उठाते हैं। सपोज देख लेते हैं, या फिर मैं एक नया इवेंट ले लेता हूँ न्यूज़ में। देखिए कि मान लो एक एग्जांपल आया आपके पास, तो दिया है कि इफ ए इक्वल टू दिया हुआ है वन जीरो टू एंड जीरो टू थ्री, वन टू थ्री ये एक का वैल्यू दिया हुआ एंड B इक्वल्स टू दिया हुआ है थ्री वन 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 टू थ्री एंड जीरो वन
ठीक है, तो देन फाइन then find three a plus b. इसका मान पूछ रहा है, तो आइए तो पहले 3a कह रहा है, 3a की वैल्यू निकालने के लिए क्या करेंगे, a में यानी कि 3a निकालना अपन को, तो 3a इक्वल्स टू तीन का मल्टीप्लाई हर एलिमेंट में होगा, तो 3 वन जा 3 यहाँ जीरो हो जाएगा, 3 2 जा 6 ये भी जीरो, 3 2 जा 6 2 3 जा 9 3 1 जा 3 3 2 जा 6 2 3 जा 9 ये आपका 3 का वैल्यू आ गया। इसी तरह हम 6 बी का वैल्यू निकालेंगे, तो 6 3 18 6 1 6 6 1 6 6 2 12 6 3 18 एंड 6 यानी कि 0 6 1 6 6 2 12 राइट, ये आपकी वैल्यू यहाँ पे आ गई। अब इनको ऐड करना है उनको, यानी कि 3a प्लस 6b हमें निकालना होगा, तो इक्वल्स टू को निकाल सकते हैं, तो 3 प्लस 18 21 जीरो प्लस 6 6 6 6 यानी कि 12 एंड 0 प्लस 6 6 6 प्लस 12 18 9 प्लस 18 कितना होगा 27 एंड 3 प्लस 0 6 6 6 यानी कि 12 9 प्लस 12 21 ये वैल्यू आपकी निकल। तो ऐसे ही हम सारे क्वेश्चन कर सकते हैं फ्यूचर में, ये जो मैंने अभी करा सारा कुछ आपने देखा, ऐसे क्वेश्चन भी पूछे जा सकते हैं, मैंने हर टाइप का क्वेश्चन आपको लगभग लगभग करा दिया। अब कल नेक्स्ट लेक्चर जो होगा हमारा एलजेब्रा ऑफ मैट्रिसेस पार्ट 3 हम करेंगे, उस पार्ट 3 में हम देखेंगे कि और भी कितने क्वेश्चंस बन सकते हैं, और इसके बाद फिर मल्टीप्लाई हम शुरू करेंगे, बताना आप लोगों को मल्टीप्लाई कैसे करना है इन सभी का। तो ये था आपका एलजेब्रा ऑफ मैट्रिसेस पार्ट 2 जो आपने देखा,
इस पर हमने ये क्वेश्चंस आपको काफी ब्रॉड लेटर में बता दिया, आपको उसमें दिक्कत नहीं होगी, सब कुछ क्लियर होगा इसमें। ऐसे आप इसको कर सकते हैं मैट्रिसेज में, जो कि इम्पोर्टेंट है, और इसको आप करें, प्रैक्टिस भी करते रहें। मैट्रिसेज की बुक कोई भी ले लें, मैथ की बुक में मैट्रिसेज दिया होता है, उसका इस्तेमाल करके आप इसको कर सकते हैं, वीडियोस को देख सकते हैं प्रॉपर तरीके से। थैंक यू।